हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैंने शादी में जाना और मेरे पास ना सिर्फ 1 घंटा या फिर 1 घंटे से भी कम टाइम है, तो जल्दी जल्दी अभी मैंने तैयार होना है। फेस को मैंने मॉइस्चराइज कर लिया, सनस्क्रीन वगैरह ऑलरेडी लगाई हुई है, तो प्राइमर मैं स्किप करूंगी। डायरेक्ट हम चलते हैं जी कंसीलर पे। ही आ गया मेरा मिरर रख लिया, और अब जल्दी जल्दी से हम अपना मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। मुझे मेकअप में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में मैंने मेकअप कर लेना। थोड़ा सा जी कंसीलर अप्लाई करूंगी, बिल्कुल हल्का सा। ये प्यूडेर कॉस्मेटिक्स का ना कंसीलर है। अच्छा, आप लोग ना मिस रोज का कंसीलर भी ट्राई करके देखना, बहुत फिट कंसीलर है। मुझे मिल नहीं रहा ऊपर कहीं, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको बोला नहीं जा रहा, ठंड लग रही। अब हम इसको करेंगे जी ब्लेंड। इसको हमने हल्का सा ब्लेंड कर लेना। क्या बोंगी मारी है मैंने। कंसीलर सिर्फ अंडर आईज पे थोड़ी ना लगाना होता, क्या पागल हो चुकी है क्या। थोड़ा सा और लगा लेते हैं, कोई डार्क सर्कल उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ये जो आपको रेड मार्क्स हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, इन पे अप्लाई करूंगी। एक्नी हुई थी, एक्नी खत्म हो गई है, हल्की हल्की सिर्फ रेडनेस है यहाँ पे। तो जो भी मुझे फेस पे थोड़े बहुत ब्लेमिशेस, रेड मार्क्स कुछ भी नजर आ रहा ना, उसको मैं छुपा दूंगी इसके साथ। अजान हो रही है, अजान हो रही है। चलें जी, अब आप ना थोड़ा सा वॉइस ओवर सुने। अच्छा, लोग ना मोस्टली कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करते हैं, लेकिन ब्रश के साथ कंसीलर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है, ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है। उसके बाद पट्टी ब्लश यूज़ करूंगी, एल्फ का, या क्रीम ब्लश यूज़ करना शुरू कर दो। आप ना पाउडर ब्लशेज़ को भूल जाओगे, बहुत प्यारा शेड है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। उसके बाद स्पूली से आईब्रोज़ को हम अच्छे से ब्रश करेंगे। आईब्रो वॉन्ड यूज़ करूंगी, छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लगाने हैं, गैप्स को फिल करना है, ज़्यादा फिल नहीं करना आईब्रोज़ को। मिस्ट्रोज़ की मैंने आईब्रो वॉन्ड यूज़ की है। उसके बाद ईयर स्पन का लूज पाउडर यूज करूंगी। आपने ना हमेशा अपने जो कंसीलर है उसको सेट करने से पहले एक दफा फिर से उसको ब्लेंड करना है, अदरवाइज अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे, क्रीजेस को आप सेट कर दोगे, तो वो क्रीजेस ही परमानेंट आपकी हो जाएंगी। फिर आपने एक्स्ट्रा पाउडर को इस तरह से रिमूव कर देना है, और एक स्मूथ लेयर आपने लगानी है, और पतली लेयर लगानी है पाउडर की, ज्यादा भर भर के आपने पाउडर नहीं लगाना। अच्छा जी, हमारी जो बेस है ना वो डन हो गई। मैंने अपनी जो बेस थी उसको सेट भी कर लिया बहुत अच्छे से। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं वॉइस ओवर में ऐड कर दूंगी। अजान हो रही थी, मैंने सोचा पहले ना पूरा मेकअप करके, फिर नमाज पढ़ के, फिर कपड़े पहन के ना फिर हम जाएंगे, मेकअप कर ही लेते हैं। आंखों को ना काला करने से पहले थोड़ा सा आईज को यहां से इनर कॉर्नर है ना उसको क्लीन कर लेंगे। ये फ्रिज चली है मेरी टू। अब मैं थोड़ा सा आंखों को काला करूंगी। जीरो मेकअप का ये काजल है, बहुत अच्छा। इसी को लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई करेंगे। ये मैंने गंदा मंदा इसलिए लगाया क्योंकि अभी हम इसको ना स्मज करेंगे। ये देखो, ओ लाइन बहुत ही ऊपर चली गई, कोई नहीं। उसके बाद छोटू सा आपने इतने एक साइज का ब्रश लेना है, और इसको आपने स्मज कर देना है। इस साइड का भी ब्लेंड करते हैं। इस साइड का मैंने ज्यादा ही काला कर लिया है थोड़ा सा। यहाँ पे ना मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी। ये मेरे पास टीवी पॉलर का ना एक पड़ा हुआ है टेराकोटा ब्लशर, या ये इतना अफोर्डेबल और मजे का ब्लशर है ना। थोड़ा सा कुछ फ्लफी ब्रश लेते हैं। मैं क्या करती होती हूँ, मैं ब्रश पकड़ती हूँ सारी में से एक दफा गुजारती हूँ, ऐसे करके अप्लाई कर लेती हूँ। ये ना हल्की सी शाइन देता है आपकी चीक्स को, देखो बड़ी प्यारी सी शाइन आ जाती है चीक्स में। थोड़ा सा ये अप्लाई कर देंगे। ये मेकअप रेवोल्यूशन का सॉफ्टएक्स पैलेट है, मैंने पराठा खा लिया, मुझे डिकार आ रहा है जी बिल्कुल। ये बात कैमरे पे करने वाली नहीं थी पर मैंने कर दी। अब हम अप्लाई करेंगे जी मस्कारा। लैशेस को कर्ल करूंगी, टाट का मस्कारा लगा रही हूँ। ये मुझे ना पीआर में कहीं से आया था, दोबारा मैंने नहीं खरीदना क्योंकि ये बड़ा महंगा मस्कारा है, 6-7 हज़ार का मस्कारा है। तो कोई अफोर्डेबल सी ऑप्शन आजकल मैं ढूंढ रही हूँ, मिली भी है मुझे 2-4, बताऊंगी आप लोगों को। अब मैं क्या करूंगी जी, ये फ्लोरमार की मैट लिप पेंसिल है, ये लिपस्टिक एज अ लिप लाइनर हर तरीके से यूज हो सकती है। हल्का सा लिप्स को लाइन करूंगी, ओवर लाइन ज्यादा मैं करती नहीं हूँ। मैं लिपस्टिक यूज करूंगी क्रिस्टीन का शेड नंबर 22। यार ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। ये अगर अभी तक आपने नहीं ली ना तो यार क्या कर रहे हो, ये इतनी अफोर्डेबल लिपस्टिक है और इतना कोई प्यारा कलर है। चेक करो, ये ऐसा कोई जबरदस्त कॉम्बो है ना, और ये दोनों चीजें बड़ी अफोर्डेबल है, मेरी दराज शॉप में आपको ना मिल जाएंगी। बहुत मजे की अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं,
शेड नंबर 22 क्रिस्टीन का और ये फॉर्मा का लिप लाइनर है। ये आपको 6 का पैक मिलता है, 12 का पैक मिलता है और सारे शेड्स इसमें ना जितने भी मिलते हैं सारे यूजफुल शेड्स हैं, अप्लाई करने वाले शेड्स हैं, अच्छे शेड्स हैं। अच्छा जी, अब मैं ना मैंने कंसीलर यहाँ पे लगाया था लेकिन ब्लश लगाते लगाते ना ये देखो यहाँ से कंसीलर उड़ गया है, तो मैं थोड़ी सी कोई भी स्टिक कंसीलर फाउंडेशन टाइप चीज लूंगी और जो स्पॉट्स हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा सा कवर कर दूंगी, ये देखो ऐसे करके। बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने मेकअप किया है। बातें अगर मैं ना कर रही होती ना तो मैं इससे भी जल्दी अपना मेकअप कर लेती। अभी मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैंने ड्रेस कौन सा पहनना है। अभी ना पहले नमाज पढ़ लेते हैं, मैंने ना वजू करके नेल पॉलिश भी लगा ली थी। यार ड्रेस मैंने पहन लिया है, अब ज्वेलरी में ये मैजेंटा कलर का ड्रेस है, पूरा भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ज्वेलरी में ना मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये वाले इयररिंग्स हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, और मेरे ख्याल से ना इयररिंग्स भी अच्छे लगेंगे क्योंकि इसका जो गला है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम वाला है। नहीं यार ये बहुत बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है यार, बिंदी भी कितनी अच्छी लग रही है पर ऐसा इवेंट नहीं है कि मैं वहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। अच्छा जी आई एम ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। हेयर स्टाइल मैंने ऐसा बना लिया दून दुनिया से, यहाँ बना के ना पीछे पिनअप कर लिया है और अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है, एक ये बैग है और एक मेरे पास ये बैग है और मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैं कौन सा वाला बैग लूँ। ये मेरे ख्याल से ना बहुत वाइट वाइट जा रहा है, ये फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल शोबाइल रखने होते हैं हाथ में मुझसे नहीं पकड़े जाते, इसलिए मैंने बैग तो कैरी करना है, तो यही वाला जो बैग है ये ले लेते हैं। ऐसे भी मैं देख रही हूँ ना तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब काश आप लोग मुझे लाइव अपनी सजेशन दे सकते कि कायनात ये वाला ले लें, पर मेरे ख्याल से ज्यादा वोट इसी पे होंगे। ये देखें जी ये आगे फाइनल लुक, ये मैंने खुद से पहन लिया। इस तरह करके ना मैं कहीं पिक्चर अटैच कर दूंगी अपनी पूरी लुक की, बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में कैसी लग रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।